नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए साथियों, अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक, राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है किसके लिए? पशुपालन पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया? इससे सुरेंद्र आवाना, प्रवीण गुप्ता, रमेश चंद्र व्यास, उपयुक्त सभी। तो जो पशुपालन पुरस्कार 2023 है राज्य स्तरीय, इससे सुरेंद्र आवाना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है? कौन सा पार्क? बायोलॉजिकल पार्क किन जिलों में बनाने की घोषणा हुई है? बीकानेर, जयपुर। बीकानेर, अजमेर। अजमेर, जयपुर। जोधपुर, जयपुर। तो जो बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है वो की गई है बीकानेर, अजमेर में। कहाँ की गई है? बीकानेर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? कौन सा पुरस्कार? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में। सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? सीनियर वर्ग सुमन मीणा, जूनियर वर्ग सिद्धि शर्मा, सब जूनियर वर्ग पर्ल बानावत, उपयुक्त सभी। देखिए, सीनियर वर्ग में जो सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार है वो सुमन मीणा को दिया गया है, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में पर्ल बानावत को दिया गया है। तो ये सारे ही कैसे हैं? सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। सब जूनियर वर्ग में जो पुरस्कार दिया जाने लगा है सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार, ये इसी साल से प्रारंभ हुआ है। इससे पहले केवल दो वर्गों में, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में दिया जाता था, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? माघ पुरस्कार। माघ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा माघ पुरस्कार किसी देने की घोषणा की है? प्रमोद कुमार शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, रमेश शर्मा, उपयुक्त सभी। तो ये जो माघ पुरस्कार है ये प्रमोद कुमार शर्मा को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये रिपीट हो गया है फिर से। क्वेश्चन नंबर फाइव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिल्कोसिस रोगियों के लिए सिल्कोसिस विंग को मंजूरी दी है? किसको मंजूरी दी है? सिल्कोसिस विंग किसके लिए? सिल्कोसिस रोगियों के लिए। किसने? गहलोत साहब ने। तो गहलोत साहब ने सिल्कोसिस रोगियों के लिए सिल्कोसिस विंग बनाने की मंजूरी किन जिलों में दी है? चूरू पाली, जोधपुर अजमेर, जयपुर अजमेर, नन। तो ये जो जी है, जोधपुर अजमेर में सिल्कोसिस विंग बनाने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अपना जनगणना का है, आर्थिक समीक्षा से दिया गया है, इसके डाटा आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं। न्यूनतम शहरीकृत जिले जो सम्मिलित हैं, डूंगरपुर 6.39%, बाड़मेर 6.98%, बांसवाड़ा 7.10%, उपयुक्त सभी। देखिए, डूंगरपुर में जो शहरी अनुपात है वो है 6.39%, बाड़मेर में 6.98% और बांसवाड़ा में 7.10%। ये सारे क्या हैं? सम्मिलित हैं, और ये तीनों डाटा आपको याद कर लेने चाहिए, ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनगणना में भी और आर्थिक समीक्षा में, तीनों जगह इसको काउंट किया जाता है। CPI केंद्र कहाँ नहीं है, ये भी आर्थिक समीक्षा लिया है। CPI केंद्र कहाँ नहीं है? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो पहले अजमेर में CPI केंद्र होता था, वर्तमान में अजमेर से हटा कहाँ कर दिया गया है? अलवर। तो इसका मतलब क्या हुआ? CPI केंद्र कहाँ नहीं है? अजमेर नहीं है। इस प्रकार से अपन ने आज ही करंट अफेयर्स ये 7 क्वेश्चन हैं इनकी बातें कर ली है, 7 क्वेश्चन अपन ने
पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।